हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSS विजन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है, नंबर सिस्टम की सीरीज अभी चलेगी भी आगे तक, तो आज की क्लास में जो हम लोग ने कल की क्लास में भी सीखा था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नंबर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यह हम लोग ने सीखा था। और आज की क्लास में भी हम लोग यही सीखेंगे। जैसे कल हम लोग ने बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था, तो आज हम लोग ऑक्टा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, बाइनरी, इन सब की बात करेंगे। डेसिमल सब की आज बात करेंगे, तो आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी रहे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास भले लंबी रहेगी लेकिन बातें आपको एक एक समझ में आएंगी, इसलिए भैया तैयार होके बैठ जाओ, कॉपी पेन उठा लो। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए आ जाओ। पढ़ाई तो करते नहीं हो तुम लोग, इसलिए मन नहीं लग रहा है भैया वीडियो बनाने में। वीडियो को शेयर भी यार करा करिए, क्लास को आप शेयर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए आप। पढ़ाई किया करिए बहुत जल्दी। आप लोगों के लिए जो PSS विजन अकेडमी की ऐप है, जिसको आप लोग ने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था, उसमें हम लोग बहुत जल्दी MPSI के लेक्चर लेके आने वाले हैं। उसके अलावा रेलवे का एक प्रैक्टिस बैच भी आपके लिए चला देंगे, जिसमें कि आपको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि भाई एक बार सिलेबस तो आपने पढ़ ही डाला है भाई। काफी सालों पहले रेलवे का एग्जाम कभी आपने भरा था किसी भूतपूर्व भूतकाल में, नहीं तो अब उसी का एग्जाम होने वाला 15 हजार, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी आपको करा दी जाएगी, है ना। और MPSI का बैच भी जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए घबराने की आपको जरूरत नहीं है। पढ़ाई के ऊपर बस ध्यान देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करवाना हमारा काम है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ भैया आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सबको बुला लो, पहले बुला लिया करो। तो आप लोग बुलाते नहीं, बस क्लास शुरू कर दीजिए, क्लास शुरू कर दीजिए। करंट सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो कहीं तो ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी आज पढ़ाना चालू करेंगे तो कहोगे हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। अबे जो पढ़ाया जाता भाई वो तो पहले पढ़ लो तुम लोग। इंसान एक ही है, 10 चीज उनसे पढ़ना चालू कर दोगे। अभी सर ग्रामर पढ़ाने तो तब से अभी ग्रामर की जब कर दो, वो कैप पढ़ाइए, जब वो कैप पढ़ाना चालू कर ग्रामर पढ़ाइए, क्या क्या करें हम लोग बताओ ना। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास आज की। चलिए तो भैया आज का जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑक्टाडेसिमल। क्या है? ऑक्टाडेसिमल। सबसे पहले हम लोग ऑक्टाडेसिमल नंबर की थोड़ी सी बात करेंगे, पहले भी बात की थी, आज फिर से बात कर ले रहे हैं ऑक्टाडेसिमल ना। ठीक है, अब ऑक्टाडेसिमल क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल का मतलब सभी को पता है अष्ट दशमलव पद्धति होता है। आपको पता है ऑक्टाडेसिमल 8 नंबरों से मिलकर बना होता है, किससे किससे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ना। ऑक्टाडेसिमल जो सिस्टम होता है वो 8 नंबरों से मिलकर बना होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके अलावा ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है, वो बेटा क्या होता है, 8 होता है। क्यों 8 होता है, सारी बातें मैंने बताई थी आपको, क्योंकि भाई ऑक्टाडेसिमल 8 नंबरों से मिलकर बना हो, इसलिए इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले ये जो ऑक्टाडेसिमल नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है, बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है बेटा, 7 है। जो ऑक्टाडेसिमल में सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको सिखाऊंगा। किसमें कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। कैसे, जरा देखो, ऑक्टाडेसिमल में जो सबसे बड़ा नंबर है बेटा वो 7 है ना। अब इसको देखो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ध्यान से सुनना। हमने आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था, सबसे पहले बाइनरी में क्या लिख लो, 1 लिख लो ना, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होती है, फिर 2 की पावर 1 2 लिख लो ना, फिर 2 की पावर 2 4 लिख लो। लेकिन अब 2 की पावर 3 8 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि भाई आपको नंबर वहीं तक लिखना है जो कि 7 से छोटा हो, नहीं तो 8 तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 2 4 लिख लिया। अब यार ये बताओ 7 लाने के लिए, ये 7 लाने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। कल ये सारी बातें कल की क्लास में हमने करी थी, तो 7 लाने की किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो 4 की जरूरत पड़ेगी ना, तो जिसकी जरूरत पड़ती उसके लिए क्या आता, 1 आता, और जिसकी जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए क्या आता, 0 आता। एक तो 4 की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब इसके लिए 1 आएगा, 2 की जरूरत पड़ेगी इसके लिए भी 1 आएगा, 1 की जरूरत पड़ेगी इसके लिए भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 7 है, ऑक्टाडेसिमल में, ये जो 7 है बेटा, ये अगर मैं बेस के नीचे 8 लिख दूं समझ जाना ये ऑक्टाडेसिमल में है ना। ये जो ऑक्टाडेसिमल में 7 है, इसका बाइनरी में अगर आप कन्वर्जन करोगे तो बाइनरी में कन्वर्जन करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 111, और बेस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑक्टाडेसिमल में एक नंबर था 7, ऑक्टाडेसिमल में 7 था, जो सबसे बड़ा नंबर 7 था, अगर मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा,
111, क्लियर है। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको जब क्लास आगे बढ़ेगी तब बातें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। लेकिन आपको अभी ये समझना है कि ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टा डेसिमल में जो सबसे बड़ा नंबर 7 है उसका बाइनरी में जो आंसर होता है वो क्या होता है, 111, मतलब कितने नंबरों का पेयर बनता है, 3 नंबरों का पेयर बनता है। कितने नंबरों का पेयर बनता है बेटा, 3 नंबरों का पेयर बनता है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे की बात आपको समझाना शुरू करूं, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए मैं आगे की बात आपको समझाता हूँ, हटा दो इसको, चलिए इसको हटा देता हूँ, सीधे मैं एग्जाम्पल पे ही आता हूँ। एक एग्जाम्पल पे आता है, एक कोई नंबर ले लेता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक नंबर ले लिया, पहले मैं बाइनरी से ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट करना बताऊंगा, किसमें, बाइनरी टू ऑक्टा हम लोग पहले चलेंगे। कि अगर कोई नंबर बाइनरी में दिया रहे और उसको ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में अगर कोई नंबर दिया उसको ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 101, है ना, 101, 100, 100, 110, 111, है ना। तो ये नंबर जो है वो किसमें बेटा, बाइनरी में, ये नंबर किसमें, बाइनरी में, है ना। और इस बाइनरी वाले नंबर को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसमें भाई, देखो बेस के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब ये बाइनरी में करना, ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए बेस के नीचे 8 लिख लिया, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, अभी अभी जब मैंने क्लास शुरू की थी तो बेटा मैंने एक बात आपको बताई थी, क्या बात बताई थी, कि जब भी ऑक्टा डेसिमल में कोई भी नंबर दिया रहेगा तो जो सबसे बड़ा नंबर ऑक्टा डेसिमल में 7 था उसको जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो बाइनरी में कितने नंबरों का पेयर बना था, 3 नंबरों का पेयर बना था। कितने नंबरों का बना था, 3 नंबरों का। तो बस यही काम आपको भी करना है, आपको भी क्या करना है, पीछे से 3-3 नंबरों का क्या बनाते जाओ, पेयर बनाते जाओ, है ना, 3-3 नंबरों का क्या बना लो, पेयर। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मान लीजिए कभी पेयर ना बने तब क्या करेंगे, तब जानते क्या करेंगे, आगे 0 लगा लेना, क्या लगा लेना, 0, क्योंकि आगे 0 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन हमारा काम बन जाएगा ना। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी लेके आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी बाइनरी से ऑक्टा डेसिमल में जाना है तो बाइनरी में जो भी डिजिट दी रहेगी उसमें 3-3 नंबरों का क्या बना लेंगे बेटा, पेयर बना लेंगे, बना लिए, क्लियर है सबको, ठीक है। अगर 3-3 नंबरों का पेयर बना लिया, आप देखो इसके ऊपर क्या लिख लो, वही चीज लिखो, 1, 2, 4, क्योंकि ये बाइनरी में और बाइनरी का बेस होता है तो 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 1, 2, 4, ऐसे लिख लो ना। अब देखो एक को एक से गुणा कराओगे एक आएगा, 2 1 कम 2 और 4 1 कम 4, तो बताओ यहाँ 4 ही आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, तो 4 2 6 1 7, तो यहाँ क्या लिख दो, 7 लिख दो, समझ गए। इसी तरह यहाँ देखो 1 2 4, इसका गुणा कराओ तो 0 आ जाएगा, 4 2 6, यहाँ 6 लिख दो, समझ गए ना। यहाँ पे क्या करो, 1 2 4, इसका तो कोई मतलब नहीं, बस 4 1 कम 4 लिख दो, 4 लिख दो, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 4, तो 4 1 कम 4, 4 1 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो जो ये जो इतना बड़ा सा नंबर बाइनरी में दिया था ये ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, 5467। और आप देख लीजिए जो 5 होता है, जो 4 होता है, जो 6 होता है, जो 7 होता है बेटा, वो ऑक्टा डेसिमल में होता है कि नहीं होता है, बोलो मेरे भाई, क्लियर है सबको, ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ये बात सबको समझ में आ रही है तो मैं फिर एक एग्जाम्पल और आपको करके दिखा देता हूँ, हटा दो इसको, चलिए इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, चलिए एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। ऐसे ही मैं कोई रेंडमली नंबर ले ले रहा हूँ, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0, ना और भी कोई ले लूँ, चलिए और ले लेता हूँ, 1 0 0, ठीक है। ये नंबर हमारा किसमें बेटा, बाइनरी में, ये नंबर हमारा बाइनरी में है और मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये जो नंबर बाइनरी में था इसको अगर मुझे ऑक्टा डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखिए कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या बना लो, पेयर, 3-3 नंबरों का क्या बना लो बेटा, पेयर, ये बन गया 3-3 नंबरों का पेयर, बन गया ना। लेकिन यहां पे देखिए नहीं बन पा रहा है, अब यहां नहीं बन पा रहा, घबराने की बात नहीं, आगे क्या लगा लो, 0 लगा लो, ठीक है। फिर वही काम करो, 1 2 4, ना 1 2 4, 1 2 4, सबके ऊपर लिख लो, 1 2 4, 1 2 4, है ना। पहले ये वाला पेयर देखो, बताओ ये 0 है, ये 0, तो 4 1 कम 4 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये 0 हो गया, 4 2 यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, बस सीधे करते जाओ,
ये एक एक कम एक, ये जीरो आएगा, चार एक पांच आ जाएगा ना बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, एक एक कम एक ही आएगा, तो यहाँ एक लिख दो ना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे एक है, दो एक कम दो, दो एक तीन आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 31564। क्लियर है, ठीक है। तो आप देख रहे कितने आसान तरीके से मैं आपको कन्वर्जन करना सिखा दे रहा हूँ, है ना। अभी आपको सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। तो बाइनरी से ऑक्टा में कन्वर्ट करना तो सबको आ ही गया होगा। अगर बाइनरी से ऑक्टा में कन्वर्ट करना सबको आ गया है, तो अब मैं ऑक्टा से बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको सिखा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ 3421, क्या ले रहा हूँ, 3421 ले रहा हूँ। एक नंबर मैंने ले लिया बेटा 3421, ये हमारा ऑक्टा डेसिमल में है, और इस ऑक्टा डेसिमल के नंबर को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, फिर वही काम करूं, पहले एक को उठा लूं, किसको उठा लो बेटा, एक को उठा लो, इस नंबर को उठाओ, एक को उठाया, ठीक है। अब बताओ एक लाने के लिए किसकी इसकी जरूरत पड़ेगी, एक दो चार, भर यही तो होगा ना, क्योंकि कम से कम तीन नंबर तो लिखने ही होंगे। तो ये वाला जो एक है, ये वाला जो बेटा एक है, इसको लाने के लिए केवल इस एक की जरूरत पड़ेगी ना, तो इस एक के लिए क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। दो की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जीरो आ जाएगा, चार की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दो, 001, क्लियर है। अब जैसे दो की बात कर लेते हैं, अगर दो की बात करें तो चलो मैं यही लिख दे रहा हूं, दो के लिए एक दो चार अगर लिखोगे तो एक की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसके लिए एक आ जाएगा, और चार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा लिख लो, ऐसे लिख लो ना, यहाँ जीरो लिख लो, यहाँ एक लिख लो, यहाँ जीरो लिख लो, तो क्या आ जाएगा, 010, है ना। इसी तरह यहाँ चार लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक दो चार पहले लिख लो, एक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बल्कि बड़े वाले नंबर से देखा करो, चार की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी भाई, तो एक लिख लो, दो की नहीं पड़ेगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100, है ना। इसी तरह तीन लाने के लिए, तीन लाने के लिए क्या लिख लो, पहले एक दो चार लिख लो, बताओ चार की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, दो की पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, एक की पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, तो क्या आ गया, 011, ठीक है। कन्वर्ट करना बहुत आसान है बेटा, कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बस जिस तरह से आपको कन्वर्ट करना सिखाया जा रहा है आपको उसी तरीके से फोकस करना है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 011, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं कि एक एग्जांपल और लेके दिखा दे, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं एक एग्जांपल और लेके आपको दिखा दे रहा हूँ, चलिए एक और एग्जांपल लेके दिखा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, कोई भी ले लूँ, 6, 7, और जो भी नंबर लेना बेटा वो 0 से 7 तक के बीच का ही रहना चाहिए ना, क्योंकि ऑक्टा डेसिमल की बात हो रही ना, 0, 7, 5, 3, 4, है ना, ये नंबर ले लिया, और ये नंबर किसमें बेटा, ऑक्टा डेसिमल में, ठीक है। अब इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये नंबर ऑक्टा डेसिमल में था, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले चार को उठा लो, चार के लिए वही लिख लो ऊपर, एक दो चार, ना एक दो चार में किसकी जरूरत पड़ेगी, चार की पड़ेगी, एक लिख लो, दो की नहीं पड़ेगी तो क्या हो गया, 100, ठीक। इसी तरह तीन के लिए क्या कर लो, एक दो चार करके लिख लो ना, चार की पड़ेगी, तीन लाने के लिए चार की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, जीरो लिख दो, दो की पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, एक की पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, तो क्या होगा, 011। इसी तरह पांच के लिए देख लो, एक दो चार लिख लो, है ना भाई, एक दो चार लिख लो, पांच लाने की चार जरूरत पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, जीरो की दो की पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, एक की पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, तो क्या हो गया, 101, ना भाई। इसी तरह सात के लिए क्या लिख लो, एक दो चार लिख लो, सात लाने की चार की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, दो की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, एक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, तो क्या लिख दो, 111, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे छह के लिए देख लेते हैं, छह के लिए एक दो चार पे लिख लो, छह लाने के लिए चार की जरूरत पड़ेगी, एक लिख लो, दो की पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, जीरो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, 110, क्लियर है। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा ना, बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है सबको, क्लियर, अगर भाई सबको क्लियर है, बातें समझ में आ रही तो एक बार थम्स अप कर दीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि भैया बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। और जो भी लोग बच्चे जो MPSI की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो MP कॉन्स्टेबल तैयारी करना चाह रहे हैं, वो घबराए ना, या जो रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं वो घबराए ना, बस वो बैच जैसे ही है जल्दी से उसे ज्वाइन करके बस प्रैक्टिस वगैरह करना या बैच में पढ़ाई करना शुरू कर दें, और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मैं अगली बात जो करने जा रहा हूँ, वो अगली बात मैं करने जा रहा हूँ हेक्साडेसिमल की। किसकी बात करने जा रहा हूँ, हेक्साडेसिमल। देखो बेटा, बाइनरी से मैंने बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखा दिया ना आपको, ऑक्टा डेसिम बाइनरी से ऑक्टा डेसिमल में, ऑक्टा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, वो बात करने जा रहा हूं किसकी, हेक्साडेसिमल की। किसकी बात करने जा रहा हूं,
हेक्साडेसिमल की बात करने जा रहा हूं ना, हेक्साडेसिमल सिस्टम। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हेक्साडेसिमल बेटा कितने नंबरों से मिलकर बना होता है, 16 नंबरों से। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। उसके अलावा ए बी सी डी ई एफ, बताया था कि नहीं बताया था, बोलो भाई ना। और मैंने ये भी कहा था कि ए को क्या पढ़ोगे 10, बी को क्या पढ़ोगे 11 ना, और इसको क्या पढ़ोगे 12, इसको 13, इसको 14, इसको 15 ना। ये बताया था कि नहीं बताया, क्योंकि भाई 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद 10 आता है, तो 10 का मतलब ए, 11 का मतलब बी, 12 का मतलब सी, 13 का मतलब डी, 14 का मतलब बी और 15 का मतलब एफ। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो मैं अब आपको वही कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, फिर से मैं फिर वही काम करने जा रहा हूँ कि सबसे बड़ा नंबर उठाने जा रहा हूँ। बताओ जो हमारा हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ा नंबर है वो कौन है? एफ है। कौन है? एफ है। हेक्साडेसिमल में जो सबसे बड़ा, अगर मान लो किसी नंबर के बेस के नीचे मैं 16 लिख दूं, समझ जाना कि वो हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में जो सबसे बड़ा नंबर है वो एफ, और एफ का मतलब क्या होता है? 15 होता है। क्या होता है बेटा? 15। क्लियर है। अगर मान लीजिए इस एफ को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूं, किस में कन्वर्ट करना चाहूं? बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूं, तो क्या करूंगा? 1, 2, 4, 8। 16 नहीं लिखूं, क्यों? क्योंकि 16 लिख दूंगा तो वो एफ से मतलब 15 से वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ ये जो एफ का मतलब जो 15 है, 15 लाने किसकी जरूरत पड़ेगी? 8 की पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। 4 की पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। 2 की पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। 1 की पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। भाई 8, 4, 12, 12, 2, 14, 1, 15 होता है ना, तो इसका मतलब जो एफ होता है, जो हेक्साडेसिमल में एफ होता है, उसका जो बाइनरी में, जो बाइनरी में वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1111 होता है। क्या होता है? 1111, ठीक है। हेक्साडेसिमल में जो एफ होता है उसका बाइनरी में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बेटा? 1111 होता है। क्लियर है सबको? ठीक है। चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ जाएंगे। चलिए तो अच्छा एक बात और मैं बता दे रहा हूं, कहने का मतलब बेटा ये, मैं इसको इसलिए समझाता हूं क्योंकि यहां पे आप देखिए कि जो जो हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ा नंबर एफ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते समय कितने नंबरों का पेयर बना बेटा? 4 नंबरों का पेयर बना। कितने नंबरों का पेयर बना? 4 नंबरों का पेयर बना। वो 4 नंबर कौन कौन से? बाइनरी में 1111 है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑक्टाडेसिमल में हमेशा 3 नंबरों का पेयर बनता है बाइनरी में जाने के लिए, और हेक्साडेसिमल में हमेशा 4 नंबरों का पेयर बनता है बाइनरी में जाने के लिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको बाइनरी से, सबसे पहले मैं आपको बाइनरी से हेक्सा में जाना बताऊंगा। बाइनरी से किस में जाना बताऊंगा? हेक्साडेसिमल में जाना बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं ऐसी अपनी मर्जी से। मान लीजिए 101 101 101 101 110 110 11, है ना। ये हमारा बाइनरी में एक नंबर है, ये हमारा बाइनरी में एक नंबर है, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है बेटा? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही था कि सबसे पहले क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। कितने कितने नंबरों के? 4 4। अब देखो हेक्सा में जाना है ना, तो इसलिए 4 4 नंबरों के। ये 4 नंबर का पेयर बन गया ना, ये 4 नंबर का पेयर बन गया। लेकिन देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन ही नंबर का पेयर बन रहा है, तो इसलिए आगे क्या लगा लो? 0 लगा लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो यहां पे भी 4 नंबर का पेयर बन गया, यहां पे भी 4 नंबर, और जहां पे पेयर नहीं बन रहा तो उसके आगे क्या लगा लिया मेरे भाई? 0 लगा लिया। क्लियर है सबको? ठीक है। चलिए अब फिर वही काम करना है, इसके ऊपर क्या लिखते जाओ? 1 2 4 8। यार काम वही करना बार बार ना। तो बताओ यहां पे इसका 4 को 0 से गुणा कराओ तो कोई मतलब नहीं निकले, बस सीधे क्या कर लो? 8 8 2 10 10 1 11। और 11 का मतलब मैंने बेटा क्या बताया था? 11 का मतलब होता है बी। होता है कि नहीं होता, बोलो मेरे भाई? नहीं समझे बच्चे? कह रहे वो कैसे? अबे यार अभी अभी तो बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए बी सी डी एफ, ए को मैंने कहा था 10 पढ़ना है, बी को कहा था 11 पढ़ना है। तो अगर इसको जोड़ने पे 8 2 10 1 11 आ रहा, तो 11 का मतलब क्या लिखोगे यहाँ? बी लिखोगे, समझ गए? 11 ना लिख देना। क्लियर है सबको? ठीक है। इसी तरह यहां देखो 1 2 4 8, यहां बताओ 8 2 10 1 11, यहां पे भी 11 के 11 का मतलब बी। बार बार बच्चे कह रहे हैं बी ही बी आ रहा है, बार है तो मैं क्या करूं? क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो 1 2 4 8 ना, तो 4 1 5। अब देखो यहां 5 आ गया, तो इसका मतलब ये जो इतना बड़ा सा नंबर था हमारा बाइनरी में, वो हेक्साडेसिमल में उसका वैल्यू क्या हो गया? 5BB हो गया। क्या हो गया? 5BB हो गया। क्लियर है? ठीक है। वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, हमें पता है आप वहीं तक जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला बात करते हैं,
एक और एग्जांपल लेके सिखा दे रहा हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1011 0001 10 1111, है ना, और ले लिया मैंने 0111, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल ले लिया। ये हमारा किसमें, बाइनरी में, ये हमारा नंबर जो है वो किसमें, बाइनरी में, और मुझे इसको किसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल में जाना है, ठीक है। तो बच्चों को आप तो पता ही है, सब लोग फटाक से आंसर दो कमेंट बॉक्स में, आप लोग अपना करिए, मैं अपना करता हूँ। सबसे पहले चार चार नंबरों का क्या बना लेते हैं, पेयर। ये देखो चार चार नंबरों का पेयर बनना चालू हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बन गया चार चार नंबरों का पेयर, इस बार सारे पेयर बन रहे इसलिए आगे जो लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 1 2 4 8 लिख लिए, ठीक है। तो बताओ यहाँ आप जोड़ो 4 2 6 7, तो यहाँ सीधे क्या लिख दो, 7 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लिख दो 1 2 4 8, है ना, तो 8 4 12 12 2 14 14 1 15, और 15 का मतलब क्या होता है बेटा, F होता है, होता ही नहीं होता है, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे लिख दो 1 2 4 8 ना, तो यहाँ पे सीधे 1 1 1 ही आ जाए, तो यहाँ 1 लिख दो, है ना मेरे भाई। यहाँ पे 1 2 4 8, तो देखो 8 2 10 10 1 11, और 11 का मतलब क्या होता है, क्या होता है, 11 का मतलब होता है मेरे भाई बी, नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, B1F7, क्या आ गया, B1F7, क्लियर है सबको। अब बातें आपको समझ में आनी शुरू हो गई होंगी मेरे ख्याल से, अगर अभी भी बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो बेटा आप वीडियो बार बार देखिए, आपको चीजें समझ में आने लगे, कोई मैं इतनी कठिन बातें नहीं कर रहा हूं आपसे। देखिए अभी तक हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना सिखाया, अब मैं हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया A96F, क्या ले लिया, A96F, ये हमारा किसमें है, ये हमारा है बेटा हेक्साडेसिमल में, और मुझे इसको किसमें ले जाना है, बाइनरी में ले जाना है, किसमें ले जाना है, बाइनरी में ले जाना है। ये एक नंबर है A96F, ये हमारा हेक्साडेसिमल में, और इसको मुझे किसमें ले जाना है बेटा, बाइनरी में ले जाना है। आप देखिए कैसे ले जाएंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं F को उठा लेता हूँ, क्या उठा लेता हूँ, F, बताओ F का मतलब मैंने 15 बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, और फिर वही काम कर लूं, 1 2 4 8 और 16 ना लिखना, 16 क्यों नहीं लिखो, क्योंकि वो 15 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो बताओ 15 लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 8 की पड़ेगी ना, कभी भी हेक्सा से या ऑक्टा से बाइनरी जाना तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो बताओ 8 की जरूरत पड़ेगी, 1 की भी जरूरत पड़ेगी, 2 की भी जरूरत पड़ेगी, और 1 की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो 8 4 12 12 2 14 14 1 15 होता है ना, तो इसका मतलब जो F था वो बाइनरी में क्या आ गया, 1111 हो गया, हो गया। अब 6 को उठा लो ना, 6 को उठाओगे तो फिर वही काम करो, 1 2 4 8 ना भाई, 1 2 4 8 नहीं लिखेंगे, 8 चल लिख लो, 8 लिख लो, लेकिन हम 8 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ 6 है ना बेटा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे, क्योंकि 4 नंबर इसलिए लिखे क्योंकि 4 नंबरों का पेयर बनता है ना। तो यहाँ पे 8 के लिए 0, क्योंकि 6 लाने के लिए 8 की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, 4 की पड़ेगी, 2 की पड़ेगी, और 1 की भी नहीं पड़ेगी, तो क्या हो गया, 0110 ना। इसी तरह 9 के लिए और देख लेते हैं, 1 2 4 8 ना, अब 9 लाने किसकी जरूरत पड़ेगी, 8 की पड़ेगी, 4 की नहीं पड़ेगी, 2 की नहीं पड़ेगी, 1 की पड़ेगी ना, तो क्या हो गया, 1001, बोलो मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह A का मतलब क्या होता है, 10 ना, और 10 के लिए 1 2 4 8 करके लिख लो ना, तो 8 की जरूरत पड़ेगी, 4 की नहीं पड़ेगी, 2 की पड़ेगी, 1 की नहीं पड़ेगी, तो क्या आ गया, 1010, बोलो मेरे भाई, क्लियर है, अब समझ बात आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा हेक्साडेसिमल में नंबर A96F था, उसका बाइनरी में वैल्यू ये आ गया, क्लियर है, अब सबको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, हटा दे इसको, चलिए हटा देता हूं इसको। अब मैं जानते हो आपको क्या सिखाने वाला हूं, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं सीधे कन्वर्ट करना, थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चन लूंगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, अब देखो भाई, देखो एक बात सुन लो, कि मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट करना सिखा दिया, डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सिखा दिया, ऑक्टा से बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सिखा दिया, बाइनरी से ऑक्टा में भी कन्वर्ट करना सिखा दिया, हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखा दिया, बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना सिखा दिया, और यही पूछा जाता है। बस मैंने एक बात आपको नहीं सिखाई अभी तक, कि ऑक्टा से डेसिमल में कैसे जाते हैं, या हेक्सा से सीधे डेसिमल में कैसे आते हैं, तो वो भी मैं अब आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए आइए सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 56, क्या ले लिया, 56, और ये 56 जो है वो किसमें बेटा, ऑक्टा में है, किसमें, ऑक्टा में है, ठीक है। अब 56 ऑक्टा में, और हमसे कहा जा रहा है कि इसको बदलो किसमें, डेसिमल में, किसमें बदलो, डेसिमल में, क्योंकि इसके नीचे 8 लिखा है,
तो इसका मतलब ये ऑक्टम, इसके नीचे 10 लिखा, इसका मतलब किसमें, डेसिमल में, क्लियर है। अब देखो मार्केट में क्या किया जाता, मार्केट में जो आप लोग को सिखाया जाता वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग को बेटा ये सिखाया जाता कि पहले ऑक्टा से तुम्हें बाइनरी में ले जाते हैं, किसमें ले जाते हैं, बाइनरी में ना, और फिर बाइनरी से फिर डेसिमल में ले जाते हैं। तो पहले मैं जो मार्केट में सिखाया जाता वो आपको सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सीधे ले जाना बता दूंगा, मतलब सीधे पहले हम लोग यहां से यहां छलांग मारेंगे, फिर यहां से यहां छलांग मारेंगे, लेकिन अगली बार में हम लोग सीधे यहां से यहां छलांग मार देंगे। अब बात समझ में आ रही है, क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए सिखा देता हूँ, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे मान लो ये नंबर हमारा ऑक्टा डेसिमल में है ना, और ऑक्टा से पहले मुझे किसमें बदलना है, बाइनरी में, और मुझे पता है कि अगर कोई नंबर ऑक्टा में है और ऑक्टा से बाइनरी में जाना है तो कितने कितने नंबरों का पेयर बनेगा, तीन तीन नंबरों का पेयर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले छह के लिए देख लो, छह के लिए क्या लिख लो, एक दो चार लिख लिए, तो बताओ छह लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, चार की पड़ेगी तो एक लिख लो, दो की पड़ेगी तो एक लिख लो, एक की नहीं पड़ेगी तो क्या लिख लो, जीरो लिख लो, क्या हो गया, 110 हो गया। बोलो मेरे भाई क्लियर है, ठीक है। इसी तरह बताओ बेटा यहाँ पांच, पांच के लिए भी वही लिख लो, एक दो चार, तो बताओ चार लाने, पांच लाने किसकी जरूरत है, चार की पड़ेगी, दो की नहीं पड़ेगी, एक की पड़ेगी, तो क्या आ गया, 101। इसका मतलब जो 56 था, जो 56 था उसका बाइनरी में मान क्या आ गया, 101110 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये तो नहीं था, हमारा तो क्वेश्चन था कि हमें सीधे 56 को किस में ले जाना है, डेसिमल में ले जाना है। अब देखो मैं बाइनरी से तो डेसिमल में ले जाना कल सिखाया था ना, क्या लिख लो इसके ऊपर, इसके ऊपर लिख लो 1 2 4 8 16 32। बोलो मेरे भाई, बताया था, बस अब आपको वही सारे नंबर जोड़ने हैं जो कि एक के ऊपर है। तो 32 है, 32 में 8 जोड़ो, 40, 40 में 4 जोड़ो, 44, 44 में 2 जोड़ो, 46, तो आंसर क्या आ गया, 46 ना। तो जो हमारा 56, जो हमारा 56 ऑक्टा डेसिमल में था, उसका डेसिमल में जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, 46 होगा, क्या होगा बेटा, 46। कैसे हुआ वो ये तो कल की क्लास में बताया था मैंने कि क्या कर लो, बस 1 2 4 8 16 32, और जिसके नीचे एक लिखा बस उसी को जोड़ना, 32 32 में 8 जोड़ो, 40 40 4 जोड़ो, 44 2 46, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, या सीधे चला जाए क्या, सीधे करना बता दें क्या, चलो हटाओ सब 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 कुछ हटा दो, चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सीधे करना बता देता हूँ, क्योंकि इतना काहे परेशान हो फालतू में ना, जब भाई सीधा तरीका है तो हम लोग क्यों परेशान हो इतना। अब देखो कैसे करेंगे, फिर से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो 56 हमारा ऑक्टा डेसिमल में था और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसको किस में बदलो, डेसिमल में बदलो, ठीक है। अब डायरेक्ट तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना भाई, तुम लोग ही बताओ कि ऑक्टा डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है बेटा, 8 होता है, क्या होता है, 8 होता है, होता है कि नहीं होता है, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो बेटा अगर मान लो यहाँ पे बाइनरी होता तो यहाँ बेस 2 होता, तो तुम सबसे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे लिखते कि ना लिखते, लिखते ना, ठीक है। तो बताओ अगर ये ऑक्टा डेसिमल में है तो बेटा, जैसे अगर ये ऑक्टा डेसिमल में, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख लो 8 की पावर 0, यहाँ पे लिख लो 8 की पावर 1 ना। अब बताओ 8 की पावर 1 8 होता है, होता ही नहीं होता है, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा बेटा, 40 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 8 की पावर 0 बेटा 1 होता है, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, 6 आएगा, और 40 में 6 जोड़ लो, 46, लो भी आंसर आ गया, क्लियर है सबको, नहीं समझे, क्लियर है, आप समझ में बात आ रही है, ठीक है। मैंने कुछ किया नहीं भाई, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम का बेस होता है 8, होता ही नहीं होता है, तो इसके ये जो इसका ऑक्टा डेसिमल में जो पहला नंबर 6 है इसके ऊपर लिख लो 8 की पावर 0, और यहाँ लिख लो 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 होता है, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया ना, और 8 की पावर 0 1 होता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई 40 में 6 जोड़ो कितना आ गया, 46 आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो मेरे भाई क्लियर है, क्या कठिन था, कुछ भी कठिन नहीं था ना। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते तो आपको और अच्छा लगेगा ना, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 452, 452 हमारा ऑक्टा डेसिमल, ये रैंडमली मैंने एक नंबर ले लिया ना, 452 हमारा ऑक्टा डेसिमल में था, उसको किसमें ले जाना है, मुझे डेसिमल में ले जाना है, किसमें ले जाना है, डेसिमल में, कुछ नहीं करना है, 8 की पावर 0 लिख लो इसके ऊपर, इसके ऊपर 8 की पावर 1 लिख लो मेरे भाई, इसके ऊपर 8 की पावर 2 लिख लो, लिख लिए कि नहीं लिख लिए, सबने लिख लिया ना। अच्छा बताओ 8 की पावर 2 कितना होता है, 64 होता है, होता है, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ना 8 की पावर 1 8 होता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है, प्लस 8 की पावर 0 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो मेरे भाई ठीक है, 64 का 4 गुना कितना होता है, 256 होता है क्या, नहीं, यही तो होता है, और 8 5 40 ना, और प्लस 2, तो 256 में 40 42 सीधे जोड़ लो ना,
तो 256 में 40 जोड़ोगे कितना आएगा, 296 आएगा, और 296 में दो जोड़ो कितना आएगा, 298। लो आंसर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, अब सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा ऑक्टा डेसिमल में ये इतना, देखिए डायरेक्ट तरीका बता दिया और आपको डायरेक्ट एग्जाम में करके भी आना, आप समझ में आ रही, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा मैं हेक्सा डेसिमल में भी ऐसे ही करके आपको दिखा दे रहा हूँ, हेक्सा डेसिमल में करके दिखा दो, जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो तो कल की क्लास से हम लोग फिर बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपको जो नंबर सिस्टम में थर्ड वाला पार्ट होता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये मैं आपको एक दो क्लास में कन्वर्ट करा दूंगा, फिर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे पहुंच जाएंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। चलिए आज ये खत्म ही कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 9F, क्या ले लिया बेटा 9F, जैसे ही आप देखो समझ जाना ये किसमें है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। 9F ले लिया और इसको किसमें ले जाना है, डेसिमल में ले जाना है, किसमें ले जाना है, डेसिमल में। चाहो तो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो कि ये जो 9F हमारा हेक्साडेसिमल में था इसको पहले किसमें ले जाओ, बाइनरी में ले जाओ, और फिर बाइनरी किसमें लेते जाओ, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो ना, लेकिन हमें तो डायरेक्ट करना अब आ गया है। डायरेक्ट करना कैसे आ गया बेटा, अगर यहाँ 8 लिखा था तो बताओ ये ऑक्टा में था तो तुम 8 की पावर 0 लिखते थे, अब बेटा यहाँ अगर 16 लिखा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 16 की पावर 0 लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो 16 की पावर 1 लिख लो, बोलो मेरे भाई क्लियर है, बताओ 16 की पावर 1 16 होता है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है, प्लस 16 की पावर 0 1 होता है, और F का मतलब मैंने क्या बताया था, F का मतलब होता है 15, होता है कि नहीं होता है भाई, हेक्साडेसिमल में F का मतलब क्या होता है, 15 होता है भाई, A B C D E F करके ध्यान रखना, A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, ऐसे समझ गए ना। तो 16 नहीं आ गया 144, और 144 में 15 ऐड कर लो भाई, ठीक है, तो 5 4 9 और 4 1 5 1 159 आ गया इसका आंसर। बोलो कुछ कठिन है क्या, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है, सब आसान है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो सब कुछ आसान है इस दुनिया में, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, जब तक हम लोग की क्लासेस नहीं शुरू हो रही थी, जब तक हम लोग मतलब कि इसमें कि कैसे हम लोग डिवाइस का मैनेजमेंट करें, कैसे हम लोग क्या नाम है कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट करें, मतलब ऐसा लग रहा था कि पहाड़ चढ़ना है, लेकिन अब हो गया तो जैसे लगता है कि सब चुटकियों का काम है, नहीं, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर कोई भी आप नया काम शुरू करेंगे भाई, तो ये मान के चलो कि आपको उसमें दिक्कत तो आएगी आएगी, लेकिन एक बार अगर आपने खुद से करना सीख लिया तो समझ लो वो काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे ये काम मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वही सब लोग जब सबने टीम वर्क किया तो सारी चीजें आपके सामने हो गई, उससे आपको भी फायदा हो रहा है, हम लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं, हम लोग पढ़ा पा रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। अगर अब आप लोग नहीं पढ़ रहे तो बेटा इसमें गलती हमारी नहीं है, आपकी है। जैसे आप लोग को मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी आप लोग को लगता होगा कि डेली 5-5 क्लास करना कितना कठिन काम है, यार मेरे ऊपर विश्वास करो। और आप देखो 1 घंटे की कोई क्लास नहीं होती है, ज्यादा 40-30 मिनट ऐसे ही क्लास है हम लोग की चलती है ना, आप लोग कुछ ना करो बस एक दिन के लिए पांचों क्लास लेके देखो, और एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आप मैं बता रहा हूं लगातार आप अगर 1-8 हफ्ते 10 दिन तक पांचों क्लास लोग ना, तो आपको बिना क्लास लिए चैन नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा आज कुछ गायब सा लगेगा अपनी लाइफ में, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वही चीज है कि एक बार लेके देखो, अभी हो सकता है हम लोग की क्लास लेना आपको पहाड़ लग रहा हो, लेकिन अगर एक दिन आप लेना चालू कर दो तो यही आपके लिए कहेगा अरे अभी तक मैं नहीं ले रहा, बताओ कितनी बड़ी गलती कर रहा था, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करा देता हूँ, उसके बाद कहानी खत्म करूं, नहीं तो तुम लोग कहोगे ज्ञान बहुत देते हैं। बी सी डी ना, चलो बी सी डी ये हमारा किस में बेटा, हेक्साडेसिमल में है, इसको किस में ले जाना है, डेसिमल में ले जाना है। बी सी डी देखो, बी सी डी है भाई, अब कुछ लोग कहने या तो आप ABCD सुना रहे, नहीं बेटा ये हमारा ऑक्टा डेसिमल में नंबर है, ठीक है। अच्छा बताओ डी का मतलब मैंने क्या बताया था, छोड़ो, अच्छा बी का मतलब बताओ क्या होता है, बी का मतलब 11 होता है कि नहीं होता है, होता है ना भाई, देखो 9 तक नंबर था, ए का मतलब 10 होता है, तो बी का मतलब 11, सी का मतलब 12 और डी का मतलब 13, हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो पहले मैं बी को इसको 13 के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ क्या लिख लो, 16 की पावर 0 लिख लो, यहाँ पे 16 की पावर 1 लिख लो, यहाँ पे 16 की पावर 2 लिख लो ना, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो 16 की पावर 2 का मतलब होता है बेटा 256 होता है, 16 की पावर 2 का मतलब होता है 256, तो 256 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस 16 की पावर 1 का मतलब 16 होता है, 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना ना, और 16 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेना, बोलो मेरे भाई क्लियर है। बच्चे कह रहे मल्टीप्लाई करना सिखा दी, देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले 6 लिख लो,
छह में पांच जोड़ो, ग्यारह, ग्यारह के एक हांसी लेख ना, ग्यारह छह पांच ग्यारह, ग्यारह के एक हांसी लेख, पांच एक छह, छह दो आठ, और दो यहाँ लिख लो, 2816 आ गया। ठीक है, लो कुछ करना नहीं है तो सबसे पहले छह लिख लो, फिर छह और पांच जोड़ लो, छह पांच ग्यारह, ग्यारह के एक आ गया, हांसी लेख आया, फिर पांच और दो को जोड़ लो, पांच दो सात, सात एक आठ, और दो इधर आ गया, क्लियर है। इसी तरह सोलह को बारह से मल्टीप्लाई, बारह छंग बहत्तर, बहत्तर का बारह छंग बहत्तर का तो हासिल साहब, बारह कम बारह सात कितना, 192 आ जाएगा ना, क्लियर है। ठीक है, प्लस तेरह एकदम तेरह, सबको जोड़ लो, छह छह दो आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह के एक लिख लो ना, हासी लेख, एक एक दो, नौ दो ग्यारह, ग्यारह एक बारह, बारह का दो हासी लेख लिख लो, आठ एक नौ, नौ एक दस, दस का जीरो लिख लो, हासी लेख, दो एक तीन ना, 3021 आ गया, यही तो आएगा। ठीक है, अगर देख लेना कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा तो आप देख लीजिएगा, उसके अलावा आंसर एकदम मुझे तो सही लग रहा है, अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में जो भी बातें थी वो मैंने लगभग लगभग आपको बता दी है, कल फिर हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग थ्योरी पार्ट के साथ मिलेंगे, और आप लोग डेली क्लास करने आइए और पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।